तो गाइस आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल साइंटिफिक अभय में। गाइस आज मैं बात करूंगा कि अगर आप यूट्यूब पर थंबनेल वगैरह चेंज करते हो अपना, तो क्या उस वीडियो पे इम्पैक्ट पड़ता है या नहीं पड़ता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस मैं बात को घुमाऊंगा नहीं, मैं डायरेक्ट मुद्दे पर आता हूँ कि अगर आप थंबनेल वगैरह चेंज करते हो अपनी वीडियो पर, तो क्या इस वीडियो पर इफेक्ट पड़ता है या नहीं। तो गाइस वो डिपेंड करता है आपके उस वीडियो पर वॉच टाइम पे। अगर आपका वॉच टाइम वगैरह ज़्यादा है, मतलब एंगेजमेंट वगैरह, मतलब कमेंट्स वगैरह ज़्यादा है, लाइक्स वगैरह अच्छे खासे हैं, तो गाइस उस वीडियो पर फ़र्क नहीं पड़ता इतना, मतलब 1% इतना फ़र्क पड़ेगा, बाकी इतना कुछ फ़र्क नहीं पड़ता अगर आपके वॉच टाइम वगैरह अच्छा है तो। बट कैसा बात करें, आप बिगनर यूट्यूबर हो और आप वीडियो अपलोड कर रहे हो, तो इस वीडियो का यूट्यूब भी प्रमोट वगैरह करता है, और उस केस में अगर आप थंबनेल वगैरह चेंज करते हो तो यस गाइस आपकी वीडियो पे इम्पैक्ट पड़ता है। मतलब गाइस जो इम्प्रेशंस होते हैं और फिर क्लिक थ्रू रेट, वो बहुत ही कम हो जाते हैं। मतलब गाइस इम्प्रेशंस ही नहीं पड़ेंगे तो क्लिक थ्रू रेट तो ऑटोमेटिकली घट ही जाएगा। इंप्रेशंस मतलब तो आपको पता ही होगा गाइस कि मतलब हमारे वीडियो को मतलब वो शो करता है यूट्यूब, इन शॉर्ट वो प्रमोट करता है, तो गाइस वो एंगेजमेंट कम हो जाएगा। तो गाइस अगर आपकी वीडियो पे अच्छे वॉच टाइम वगैरह नहीं है, तो उस केस में हो सके तो थंबनेल वगैरह चेंज ना करें इतना। और गाइस ये डिपेंड करता है कि आप कौन से कैटेगरी में वीडियो बनाते हैं, क्योंकि गाइस जो म्यूजिक वगैरह बनाते हैं तो गाइस उन लोग मतलब चेंज वगैरह करते ही हैं मोस्टली, 1 मिलियन हो गया, 2 मिलियन व्यूज हो गया, ऐसा सब चेंज करते हैं, तो गाइस उस चीज में मतलब इतना इफेक्ट नहीं पड़ता। वैसे तो बाकी के कैटेगरी में भी फर्क नहीं पड़ता, बट गाइस अगर आप बिगनर यूट्यूबर हो सके तो उतना आप थंबनेल वगैरह चेंज ना करें अगर आपके वीडियो पे अच्छा वॉच टाइम वगैरह नहीं है तो। गाइस मैंने अपने पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि अगर आप मेटा डेटा चेंज करते हो, मतलब टाइटल चेंज करते हो, डिस्क्रिप्शन चेंज करते हो, या फिर हैशटैग्स वगैरह चेंज करते हो, तो आपके वीडियो पे इफेक्ट करता है या नहीं करता। तो गाइस उस वीडियो को आप आई बटन में क्लिक करके देख सकते हैं। तो गाइस आई होप आपको मालूम पड़ेगा होगा कि अगर आप यूट्यूब पर थंबनेल वगैरह चेंज करते हो तो आपके वीडियो पे इफेक्ट पड़ता है या नहीं पड़ता। एंड यस गाइस अगर आप कुछ भी चेंज वगैरह करते हो, मेटा डेटा हो गया या फिर थंबनेल वगैरह, तो आपके चैनल पे इतना इफेक्ट नहीं पड़ता, और सिर्फ आपके पर्टिकुलर वीडियो पे ही इफेक्ट पड़ता है, पूरे चैनल पे इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो इसकी आप टेंशन ना ले। बट गाइस अगर आपको थंबनेल वगैरह चेंज करना ही है तो यस आप बिल्कुल कर सकते हो, बट अगर आपके वीडियो पे अच्छा वॉच टाइम वगैरह है तो ही करें, और जितना हो सके उतना चेंज ना करें। तो गाइस आई होप आपको आंसर मिल गया होगा कि यूट्यूब पर थंबनेल वगैरह चेंज करने से वीडियो डाउन होता है या नहीं होता है। तो गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें, और अगर यूट्यूब के रिलेटेड आपको और भी कोई वीडियोस वगैरह चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए मेरे चैनल साइंटिफिक अभय को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।